ब्रिजभूषण के समर्थकों से पूछताछ के बाद इंडिया टीवी संवाददाता अभय पराशर ने रेसलर साक्षी मलिक से बात की। हमारे साथ साक्षी जी मौजूद हैं और साक्षी जी, इस केस में लगातार इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ रही है। गोंडा में ब्रिजभूषण के यहाँ पर अभी पुलिस पहुंची थी रात को, कई लोगों के स्टेटमेंट दर्ज हुए हैं। क्या चाहती हैं आप आगे फेयर इन्वेस्टिगेशन को लेके, आपकी और बाकी के प्लेयर्स की मांग क्या है? देखो, हम तो शुरू से ही बोल रहे हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, और अगर पुलिस अपना काम प्रॉपर तरीके से करती तो अभी तक उसे गिरफ्तार हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन भी देखो कितना डिले चल रही है, कंप्लेंट किए भी अराउंड 45 डेज होने वाले हैं, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। तो बस यही चाहती हूँ, फेयर इन्वेस्टिगेशन होगी और अरेस्ट होंगे तो और भी बहुत सारी लड़कियां सामने आएंगी, विटनेस सामने आएंगी, क्योंकि अभी जो है रेसलर्स में बहुत डर भी है कि अगर ये नहीं हटा तो हमारा करियर जो है वो स्पॉइल हो जाएगा या हम आगे रेसलिंग कैसे कर पाएंगे, इसलिए डर की वजह से बहुत लोग आगे नहीं आ रहे। अच्छा, कल ये बात निकल कर सामने आई साक्षी जी की, आंदोलन जो है वो ख़त्म हो गया है, आपने नौकरी ज्वाइन कर ली है वापस। बजरंग पुनिया ने भी कल ट्वीट किया कि अगर उन्हें ऐसे परेशान किया जाएगा तो उन्हें नौकरी का डर नहीं है। ये सब चीज़ें क्यों आ रही हैं सामने, या फिर आगे आप लोगों की रणनीति क्या रहने वाली है? देखो, रही बात रेलवेज़ की, तो हमने हमारे कुछ फ़र्ज़ हैं रेलवेज़ में, हम OST पोस्ट पे हैं तो एक आधा काम किया था, उसका मतलब ये नहीं है कि हमने धरने से अपना नाम वापस ले लिया है, ना ही हमने प्रोटेस्ट से नाम वापस लिया है और ना ही लेंगे। हमारा जो आंदोलन है, सत्याग्रह है, वो चलता रहेगा जब तक न्याय नहीं मिल जाता। मैं, बजरंग और दिनेश एक हैं और एक रहेंगे, क्योंकि कल ये भी अफवाह चल रही थी कि साक्षी दिनेश पीछे हट गए, बस बजरंग रह गया, तो ऐसी बिल्कुल भी फेक न्यूज़ ना फैलाएं, जो हमारे समर्थक हैं उन पे जो है गलत प्रभाव ना डालें। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारा आंदोलन जब तक जारी रहेगा जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता। साक्षी जी, अभी जो नाबालिग लड़की ने अपने स्टेटमेंट पहले दर्ज कराए थे, पुलिस ने पॉस्को में मामला दर्ज किया था, 164 के बयान भी हुए थे, लेकिन अभी ये खबर आई है कि पटियाला हाउस कोर्ट में जाकर उन्होंने अपने स्टेटमेंट वापस लिए हैं। आपकी कोई बातचीत हो पाई है उनके फादर से या विक्टिम से कि स्टेटमेंट अगर वापस लिए हैं तो क्या वजह है, और कुछ और आप लोगों से कुछ शेयर किया है क्या? नहीं, अभी जैसे कल तक तो ऐसी कोई बात नहीं थी, हमारी बातचीत भी हुई थी, कोई वापस नहीं लिए हैं स्टेटमेंट, ये भी सब अफवाहें हैं। सुबह उनके फादर ने शायद दोबारा बयान भी दिए हैं कि हमने कोई अपना वापस नहीं लिया है, और ये सब बातें हमारे जो आंदोलन को कमज़ोर करने की हैं कि आम जनता में हम ये मैसेज पहुंचा दें, तो ऐसा ना करें, क्योंकि हम न्याय के लिए लड़ रहे हैं, सच्चाई की लड़ाई लड़ रहे हैं। पॉक्सो में अगर मान लीजिए बयान वापस हुआ है जैसे कि खबरें हैं, अगर पॉक्सो की धारा हट जाती है तो उसके बाद, क्योंकि पुलिस लगातार ये कह रही है कि हम इन्वेस्टिगेशन पूरी कर रहे हैं, जल्द कंक्लूड भी कर लेंगे, लेकिन गिरफ्तारी के लिए कोई ग्राउंड पुलिस अभी तक नहीं बता पा रही है। पुलिस का कहना है कि हम पे कोई ग्राउंड नहीं है कि हम अरेस्ट कैसे करें, लेकिन इतनी सारी विटनेस सामने आई हैं, आपको क्या लगता है देरी क्यों हो रही है, पुलिस क्यों नहीं ब्रिजभूषण को अरेस्ट कर रही है? देख लो, ये तो शुरुआत से ही पता चल रहा है कि हमें FIR भी सुप्रीम कोर्ट के थ्रू करवानी पड़ रही है, तो बचाने की तो कोशिश की ही जा रही है, तभी हम बार बार बोल रहे हैं कि फेयर इन्वेस्टिगेशन, बहुत सच सामने आ जाएंगे। अब जब तक, अब जैसे आप लोगों ने अभी फिलहाल आंदोलन तो नहीं चल रहा है, जंतर मंतर से आप लोग हट गए हैं, अपने अपने ऑफिस जा रहे हैं, बजरंग से, विनेश से, इन सबसे आपकी बातचीत हो रही है, आगे क्या रहने वाला है? क्योंकि कुछ खाप पंचायतें भी आपके साथ जुड़ी, तमाम किसान नेता आपके साथ जुड़े, अब अभी तक क्योंकि गिरफ्तारी नहीं हुई है, आगे आप लोग क्या करने वाले हैं? आंदोलन तो देखो जारी ही है, इसको ये नहीं बोल सकते कि हम पीछे हटे हैं, बातचीत हमारी होती है, मिलते भी हैं हम, कल भी मिले थे हम, बस यही प्लानिंग चल रही है कि हम आगे इसको और कैसे बढ़ा सकते हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।